हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैंने अपनी बेटी एंजल का एग्ज़ाम रूटीन शेयर किया है। फिफ्थ ग्रेड में मेरी बेटी पढ़ती है। 15 मार्च से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम रूटीन हमने फॉलो करना शुरू कर दिया था एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले से। सबसे पहले प्लान किया हमने अपना स्टडी टाइम, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसका एक टाइम टेबल मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हमने सारे सब्जेक्ट्स तैयार किए थे। हिंदी और साइंस के लिए हमने ज़्यादा दिन सेव किए थे। एंजल को ये दोनों ही सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। इसमें भी हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, मात्राओं में थोड़ी सी उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, और लिखने में हिंदी थोड़ी सी उसको डिफ़िकल्ट लगती है। मैथ्स और इंग्लिश वो जल्दी प्रिपेयर कर लेती है, तो ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लगता है मैथ्स और इंग्लिश में। हिंदी में हम लोगों ने थोड़े ज़्यादा दिन इसलिए रखे थे पढ़ने के लिए। डेली कम से कम हम लोग 2 घंटे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे, और इसके साथ साथ रेगुलर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। कमॉन की क्लासेस भी एंजल की रेगुलर चल रही थी। स्कूल मॉर्निंग 10:30 से 1:30, और कमॉन क्लासेस वीकली 2 क्लासेस ऑनलाइन एंजल की रहती, और डेली मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट्स वो भी एंजल को करनी पड़ती थी कमॉन की। इसलिए हमने अपना पूरा जो स्टडी टाइम है वो फिक्स कर लिया था इन 2 हफ्तों के लिए। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग शाम को 4 से 6 हम लोग पढ़ते थे, और 8 बजे के अराउंड एंजल अपनी कमॉन की शीट्स प्रैक्टिस करती थी। तो ये पूरा 2 हफ्ते जो है यही हमारा रूटीन था। कुछ टॉपिक्स के नोट्स मैंने पहले से बना लिए थे एंजल के लिए साइंस और इंग्लिश में, ताकि थोड़ा उसे ईजी हो जाए पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम से पहले ही हमने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एग्ज़ाम डेज में हम लोग सिर्फ टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हैं। इसके लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर बना रखे हैं, और जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन हम लोग टॉपिक्स रिवाइज़ करके उसके बाद मैं एंजल को वो टेस्ट पेपर दे देती हूँ सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से एंजल की प्रैक्टिस हो जाती है टेस्ट के लिए। ये वीडियो जब मैंने शूट किया था तब तक हिंदी और मैथ्स के ही टेस्ट पेपर मैंने बनाए थे। इसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स के मैंने टेस्ट पेपर बनाए। स्कूल से भी रिवीजन शीट्स टीचर्स प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिनका प्रिंट आउट निकाल कर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एंजल प्रैक्टिस करती है, वो भी उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये फाइनल एग्ज़ाम्स 1 साल के बाद कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल कैंपस में हो रहे हैं एंजल के। इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही हुए हैं लास्ट ईयर। कुछ क्लिप्स मैंने स्कूल की भी इस वीडियो में शेयर की हैं। जो भी सब्जेक्ट का टॉपिक एंजल प्रिपेयर करती है उसकी प्रैक्टिस हमेशा व्हाइट बोर्ड पर ही करती है। बहुत पहले से एंजल को ये हैबिट है व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस करने की, इसलिए हमने ये व्हाइट बोर्ड भी लिया है। पढ़ाई के साथ साथ एंजल ने अपने टीवी का फेवरेट शो भी देखे हैं। एंजल के स्कूल के 4 फ्रेंड्स हैं, इनका एक पूरा ग्रुप है, जो एक टाइम डिसाइड करके उसी टाइम पर इन्होंने अपने ऑनलाइन गेम्स भी खेले हैं। रोब्लॉक्स और सिम्स 4 ये इनके फेवरेट गेम है। तो पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने ये चीज़ें भी मिस नहीं की हैं, टीवी, ऑनलाइन गेम्स, और एक बार इन 2 हफ्तों में एंजल ने साइकिलिंग भी की है, तो वो भी मैंने इस वीडियो में एक क्लिप शेयर की है। एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले हमारा यही स्टडी रूटीन रहा है, जिसे हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। स्टडी टाइम कभी कभी आगे पीछे हो जाता था, लेकिन डेली हमने 2 आवर्स, कभी उससे ज़्यादा भी टाइम हमें लगा किसी टॉपिक पर, लेकिन ये पूरा जो रूटीन है हमने अच्छे से फॉलो किया है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। हमेशा हम लोग टारगेट रखते थे कि कितने टॉपिक्स और क्या चैप्टर्स हमें एक दिन में कम्प्लीट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने पूरा अपना जो सिलेबस है टेस्ट होने से पहले हमने पूरा कम्प्लीट किया। डे 1 था एग्ज़ाम का इस दिन स्कूल में एंजल का, और लैंग्वेज का टेस्ट था, इंग्लिश का टेस्ट था पहला, और स्कूल के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों के पास इस टाइम पे नहीं थी, तो स्कूल ने अलाउ किया था कि स्टूडेंट्स प्लेन टी शर्ट, सॉलिड कलर की टी शर्ट और जीन्स पहन के आ सकते हैं स्कूल में। सब ग्रेड्स का एग्ज़ाम एक साथ नहीं था स्कूल में, ग्रेड वाइज स्टूडेंट्स कॉल किए थे स्कूल में एग्ज़ाम के लिए। टाइम स्लॉट दे रखा था हर ग्रेड को, और एंजल का टाइम स्लॉट था 11:30 to 1:30, 2 आवर्स का ही सिर्फ एग्ज़ाम था।
स्कूल प्रिंसिपल पर्सनली सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए स्कूल एंट्रेंस पे स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही थी, अटेंड कर रही थी। इवन पेरेंट्स के साथ भी उनका कुछ टाइम के लिए इंटरेक्शन हुआ, डिस्कशन हुआ। पेरेंट्स की क्वेरीज थी प्रिकॉशंस को लेके, तो उन्होंने सभी पेरेंट्स को बताया कि जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं और पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले रहे हैं। लास्ट मोमेंट का यहाँ पर रिविजन चल रहा है एंजल का, और जब तक हम लोग स्कूल नहीं गए तब तक सारे टॉपिक्स रिवाइज होते रहे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग स्कूल के लिए टाइमली हम लोग स्कूल पहुंच गए थे। पहले भी मैं एंजल को पिक एंड ड्रॉप करती थी स्कूल से, तो इस दिन भी मैंने एंजल को स्कूल ड्रॉप किया और पिक किया। कंटिन्यूस एग्जाम्स है एंजल के स्कूल में, और रिटन एग्जाम से पहले दो सब्जेक्ट्स का असेसमेंट ऑनलाइन पहले ही हो चुका है, जिसमें से एक स्पोर्ट्स का असेसमेंट था और एक सब्जेक्ट है जिसमें असाइनमेंट इन लोगों को सारे स्टूडेंट्स को सबमिट करना था ऑनलाइन। तो वो दो टेस्ट रिटन एग्जाम से पहले जो हैं वो हो चुके थे, और रिटन एग्ज़ाम मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी का स्कूल में हो रहा है। तो ये पूरा स्केड्यूल है एग्ज़ाम का, और लास्ट डे पूरी क्लास का फोटो शूट है और सेम डे ही क्लास में पार्टी है छोटी सी लास्ट डे एग्ज़ाम के। तो एंजल पूरा एक्साइटेड थे इस दिन के लिए, और स्नैक्स जो हैं वो घर से ही लेके जाने थे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैं बैग एंजल का तैयार कर रही हूँ, इसमें सिर्फ पेंसिल बॉक्स और पर्सनल सैनिटाइज़र और मास्क कंपलसरी था, तो वही मैंने यहाँ पर बैग में रखा है। और इसके बाद हम लोग स्कूल गए, मैं एंजल को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गई। स्कूल कैंपस में हम लोग पूरे एक साल के बाद आ रहे थे, और लास्ट ईयर भी 17 मार्च को एग्ज़ाम था लेकिन कैंसिल हो गया था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन वो एग्ज़ाम्स हुए थे। तो पूरे एक साल के बाद हम लोगों ने स्कूल कैंपस में एंटर किया, और टीचर्स जो हैं बच्चों को इनक्रेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे थे। और यहाँ पर भी सब स्टूडेंट्स का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा था और सैनिटाइज करके ही क्लास रूम में जो है वो एंटर कर रहे थे। और प्रिंसिपल मैम, जैसे मैंने पहले कहा, वो खुद पर्सनली यहाँ पर आकर सबसे मिल रही थी, स्टूडेंट्स को मिल रही थी, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। मॉर्निंग स्लॉट में जिन ग्रेड्स के बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो वो पेरेंट्स यहाँ पर खड़े थे बच्चों को पिक करने के लिए। 1:30 मैं भी एंजल को स्कूल पिक करने के लिए गई थी, और साथ में घर से ही बनाकर मैं कोल्ड कॉफ़ी ले आई थी। एंजल ने पहले ही मुझे बता दिया था कि आते वक्त आप कोल्ड कॉफ़ी लेकर आना। और आते हुए यहाँ पर एंजल अपना सारा एक्सपीरियंस बता रही है, किस तरह से टेस्ट हुआ और कौन कौन से फ्रेंड्स उसको क्लास में मिले। एक्चुअली लास्ट ईयर एंजल का जो सेक्शन था वो इस साल चेंज हो गया था करंट ईयर में, तो न्यू कुछ स्टूडेंट्स उसकी क्लास में थे, तो उनके साथ थोड़ी बहुत बात हुई, तो वही सब यहाँ पर डिस्कस कर रही थी। और नेक्स्ट डे हिंदी का टेस्ट था, तो घर आकर हम लोगों ने लंच किया, एक आधा घंटा एंजल ने ब्रेक लिया, रेस्ट किया, और उसके बाद वापस से शाम को हम लोगों ने, मैंने जो टेस्ट पेपर्स बना रखे थे एंजल के लिए वही रिवाइज किए हिंदी के। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी एंजल जब ये पेपर सॉल्व कर रही थी, जिसको हम लोगों ने बाद में करेक्ट किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।